हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल में एक शॉर्टकट की बताऊंगा। शॉर्टकट की क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था किस तरीके से कॉलम को रिसाइज करते हैं। तो कॉलम को तो रिसाइज करना आपने सुना होगा, ठीक है। कॉलम को कैसे रिसाइज करते हैं ये तो मैंने बताया आपको। जैसे मान लीजिए कॉलम है और इसमें, चलिए मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, ये लिख लिया सूरज तिवारी। और ये नाम लिखने के बाद देखिए ये कॉलम जो है छोटा पड़ रहा है, तो इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी Alt-H-O-I, बारी बारी से प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये कॉलम अगर छोटा पड़ जाए, यहाँ से मैं कॉलम को छोटा कर देता हूँ, ये देखिए ये छोटा हो गया। और यहाँ पर Alt-H-O-I प्रेस कीजिएगा तो ये रिसाइज हो जाएगा। देखिए ये कॉलम जो है बराबर रिसाइज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रो छोटा पड़ गया है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसके लिए है Alt, फिर प्रेस कीजिए H, फिर O, फिर A, देखिए ये रिसाइज हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप रिसाइज कर सकते हैं, ओके।